सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसकी हमारे पास तीन डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन दीज थ्री कंडीशंस, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वेरिएबल्स. ओके, इसका मतलब अगर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, देन हमें फाइंड करनी है वैल्यूज ए और बी की. ओके, तो हमें पता है कि अगर हमारा फंक्शन गिवन हो डेफिनेशंस के अंदर, देन हमें ऑब्टेन करना पड़ता है ये कि हमारा फंक्शन किस इनपुट के लिए किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ओके, सो ये फंक्शन आपका हर जगह डिफाइंड है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, एंड देन आप बोल सकते हैं आपके पास जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो है सिर्फ जीरो. एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है टू डेफिनेशन को, एंड जब आपका एक्स लेस देन जीरो है तो आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है इस फर्स्ट वाली डेफिनेशन को. ओके, एंड देन जब आपका एक्स बड़ा है जीरो से तो आपका एक्स फंक्शन फॉलो कर रहा है इस सेकंड वाली डेफिनेशन को. ओके, सो हम लोग जब कभी भी एक्स इक्वल्स टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे, देन हम लोग उसकी जगह पे इस फर्स्ट फंक्शन को रिप्लेस करेंगे, एंड एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे जब हम लोग राइट हैंड लिमिट को फाइंड कर रहे होंगे, देन हम लोग एफ एक्स की जगह पे सेकंड फंक्शन को रिप्लेस करेंगे. ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट जीरो हमें इक्वल होनी चाहिए. ओके, सो हमें एक एक करके उन सारी वैल्यूज को निकालना है एंड देन इक्वेट करना है. ओके, तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को निकालना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट जीरो के लिए. आपको देखना पड़ेगा एक्स इक्वल्स टू जीरो कहां पे लाई करता है. एक्स इक्वल टू जीरो यहां लिखा हुआ है, इट मींस फॉलो करेगा डेफिनेशन टू को, और जहां जहां भी एक्स है वहां पुट करना पड़ेगा आपको जीरो, बट यहां पे कोई एक्स नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारे पास यही इसकी एक फाइनल वैल्यू हो जाएगी. इसको मान लीजिए आप लोग फर्स्ट, ना हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे LHL या फिर RHL, आपकी विषय जो कुछ भी निकाली है आप लोग. हम निकालते हैं यहाँ पे RHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू जीरो. सो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x, एंड देन हमें रिप्लेस करना पड़ेगा f(x) की उस डेफिनेशन को जहाँ पे हमारा x जीरो से जस्ट बड़ा होगा. जीरो से जस्ट बड़े के लिए हमारा फंक्शन फॉलो करेगा सेकेंड डेफिनेशन को. ओके, सो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे देखिए क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x tends to 0 पॉजिटिव, एंड fx हमारा हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में bx माइनस 1, एंड देन अपॉन में आपके पास आ जाएगा x. एंड आपको इस पूरे क्वेश्चन को चेंज करना है h के फॉर्मेट में, तो आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, पुट x इज इक्वल्स टू a यानी कि 0, RHL निकालने हैं इसका मतलब प्लस h, वेयर h इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर. ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू h ही पुट करना है आपको, तो पूरा सवाल आपका कन्वर्ट होके हो जाएगा h की फॉर्मेट में कुछ ऐसा, जहाँ आपको लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको h में. तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में b एंड देन h माइनस 1 एंड देन होल डिवाइडेड बाई वॉट ओनली h. नाउ पूरे सवाल को h में कन्वर्ट करने के बाद आपका मेन काम होता है इस एक्सप्रेशन के अंदर h इक्वल्स टू जीरो पुट करना है, एंड देन ये नोटिस करना कि आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू आ रहा है या फिर आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है. ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर आपने h इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे पुट किया तो आपको मिलेगा 1 प्लस में b इंटू जीरो इज 1, 1 का अंडर रूट भी होता है 1, 1 माइनस 1 इज 0 एंड देन अपॉन में 0, यानी कि आपके पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ सकती है या फिर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है या फिर रैशनलाइज भी करना पड़ सकता है. ओके, सो जब हम लोग 11th क्लास में लिमिट्स को पढ़ रहे थे और मैंने आपको सिखाया था, जब कभी भी आपके पास अंडर रूट का कोई भी टर्म आ जाता है चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमेटर में, देन आप लोग वहां क्या कीजिए, वहां पे आप लोग रैशनलाइजेशन का कांसेप्ट लगा दिया कीजिए. ओके, सो ध्यान से देखिए, यहां पे हमने रैशनलाइज किया है, तो ध्यान से देखिए क्या ऑप्टेन होगा आपको, वो ऑप्टेन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में bh माइनस 1 अपॉन में h इंटू में ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में बी एच प्लस 1 एंड देन रूट के अंदर ही आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में बी एच एंड देन अगेन प्लस 1. ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी का, जहाँ पे a आपके पास ये टर्म है, b आपके पास है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h tends to 0, this will become a square minus b square, इसका मतलब आपको इसकी करनी है स्क्वायर, माइनस में इसकी भी करनी है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस में बी एच एंड देन माइनस में b की स्क्वायर हो जाएगी आपके पास 1, और यहाँ सिंपली हो जाएगा h मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में बी एच एंड प्लस 1. ओके, नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल आउट, और आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो रह जाएगा कैसा, आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा लिमिट h tends to 0
एंड आपके पास ऊपर रहेगा बी एच एंड नीचे रहेगा आपके पास एच टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में बी एच एंड प्लस का 1. ओके, नाउ यहाँ पे आप एच से एच को काट सकते हैं एंड देन आप कोशिश कीजिए एच इक्वल टू जीरो पुट करने की इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा यहाँ पे बी एंड देन होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस में बी इंटू जीरो इज 1, 1 प्लस 1 इज 2. ओके, सो आपके पास जो आर एच एल आ रहा है इसको पुट करने के बाद वो आपके पास आ रहा है कितना, बी बाई 2. तो आपके पास कितना है ये आपके पास बी बाई 2. नाउ हम लोग कोशिश करेंगे एल एच एल को फाइंड करने की एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. आई विल सजेस्ट कि आप लोग इतने पार्ट को अभी नोट डाउन कर लीजिए. सो टिल नाउ हम लोगों ने अपने फंक्शन के अंदर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड राइट हैंड लिमिट भी हमने फाइंड कर ली एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. नाउ हमारा मेन टास्क होगा लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड देन बाद में इन तीनों वैल्यूज को हमें आपस में इक्वेट करके अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है. ओके, सो ध्यान से देखिए, हम लोगों को फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. सो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एंड देन हमें इस एफ एक्स की प्रॉपर डेफिनेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे जब जब हमारा x 0 से जस्ट छोटा होगा. ध्यान से देखिए, जब हमारा x 0 से जस्ट छोटा होगा तो हमारी डेफिनेशन फॉलो होगी ये वाली. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एंड देन हमारे पास फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ए प्लस 1 एक्स. याद रखिएगा ये x इस एंगल का ही पार्ट है एंड देन प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन x एंड देन होल डिवाइडेड बाय x. ओके, तो ध्यान से देखिए, अब हमारा मेन टास्क होगा पूरे पूरे सवालों को कन्वर्ट करना h के टर्म्स में. तो हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, वी नीड टू पुट x इज इक्वल्स टू व्हाट, a है हमारा 0 एंड देन माइनस h करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट वेयर h इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर. ओके, तो x इज इक्वल्स टू हमें मेनली पुट करना है माइनस का h. तो हमारा पूरा ही एक्सप्रेशन जो कन्वर्ट हो जाएगा h के टर्म्स में वो हमें देगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम जहाँ जहाँ भी आपको एक्स मिले वहाँ पे आप माइनस एच पुट कर दें. तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एंड देन ए प्लस वन एच, सॉरी माइनस एच एंड देन प्लस में टू टाइम्स ऑफ साइन माइनस एच होल डिवाइडेड बाई आपके पास था यहाँ पे एक्स, इसका मतलब यहाँ भी आपको पुट करना पड़ेगा माइनस एच. ओके, ध्यान से देखिए, आप सबको पता है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव थीटा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है माइनस का साइन थीटा. तो हम लोग इसको नेगेटिव में टर्म बोल सकते हैं एंड हम लोग इसको भी नेगेटिव के टर्म बोल सकते हैं. ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ का नेगेटिव टर्म और यहाँ का नेगेटिव टर्म अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो माइनस साइन आपका आ जाएगा बाहर और वो इससे इसको कटअप कर देगा. ओके, ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव एंगल बना देगा इस टर्म को नेगेटिव, ये नेगेटिव एंगल बना देगा इस टर्म को नेगेटिव. मैं नेगेटिव साइन बाहर लिया तो ये अगेन बन जाएगा पॉजिटिव में, ये भी रह जाएगा पॉजिटिव में आपका एंड आपके पास ये टर्म्स यहाँ से माइनस साइन कैंसिल कर देंगे. ओके, ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो और हमारे पास ऑप्टेन होगा सब कुछ काट पिट करने के बाद साइन एंड देन a प्लस 1 टाइम्स ऑफ h. ओके, h भी इसी का पार्ट है याद रखिएगा एंगल का, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन ओनली h एंड देन होल डिवाइडेड बाय h ओनली. ओके, नाउ आप सबको पता है कि जब कभी भी आपके पास चीजें लिखी हो इस तरीके से a प्लस b अपॉन में c देन आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन c प्लस b अपॉन c. ओके, सो मैं लिखूंगा इसको ऐसे दिस अपॉन दिस एंड देन दिस अपॉन दिस एज वेल. ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन में एंगल ए प्लस वन टाइम्स ऑफ एच एंड अपॉन में एच प्लस टू टाइम्स ऑफ साइन एच अपॉन में एच. अब बहुत से बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, इस एच को इस एच से कटअप कर देंगे, बट याद रखिएगा ये जो एच है वो एक्चुअल में साइन के एंगल का पार्ट है, सेपरेट नहीं है. अगर ये सेपरेट होता तो आप लोग इसको कटअप कर सकते थे, बट यहाँ पे सेपरेट नहीं है इसलिए आप लोग इसको कटअप नहीं कर सकते. ओके, सो ध्यान से देखिए, अब आप अगर यहाँ पे एच इक्वल टू जीरो पुट भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको जीरो अपॉन जीरो मिलेगा यहाँ पे भी एंड जीरो अपॉन जीरो मिलेगा यहाँ पे भी. आपको एक लिमिट्स की प्रॉपर्टी पता है कि अगर लिमिट लगी हो आपके पास ऐसे कुछ भी लिखा हो लिमिट के अंदर एक्सटेंड्स टू ए, यहाँ पर हो एफ एक्स प्लस में यहाँ पर हो जी एक्स, तो आपको पता है ये हो जाता है लिमिट एफ एक्स के साथ भी लग जाती है आपकी एंड लिमिट जी एक्स के साथ भी लग जाती है आप लोगों की. ओके, सो मैं इस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या ऑप्टेन होगा आपको. सो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको ऑप्टेन हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड दिस विल बिकम साइन ए प्लस वन एच अपॉन एच एंड देन प्लस में अगेन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू कॉन्स्टेंट है क्यों ना बाहर निकाल लूँ मैं उसको, साइन एच
अपॉन में एच। ओके ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं एक जो आपके पास फॉर्मूला था, साइन एक्स अपॉन में एक्स सच दैट एक्स टेंड्स टू जीरो अगर होता है तो ये पूरा हो जाएगा वन। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ यहाँ पे भी है और वो टेंड्स टू जीरो भी है। इसका मतलब ये सिंपली हो जाएगा आपका वन, टू टाइम्स ऑफ वन इज ओनली टू। ओके बट यहाँ पे हमारे पास थोड़ी दिक्कत होने वाली है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एच इक्वल टू जीरो पुट करूँगा तो मेरे पास जीरो अपॉन जीरो आएगा और मेरे पास यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं है, बिकॉज जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ हूबहू यहाँ नहीं है। तो कमी किस चीज़ की है यहाँ पे, कमी है आपके पास यहाँ पे a प्लस वन की। तो क्यों ना मैं a प्लस वन से मल्टीप्लाई एंड a प्लस वन से डिवाइड कर दूँ इस चीज़ को। ओके ध्यान से देखिए यहाँ पे, सो ये हो सकता है आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और अगर मैंने a प्लस वन से मल्टीप्लाई एंड a प्लस वन से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ देखिए चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, और यहाँ पे तो आपके पास प्लस में टू था ही। ओके ध्यान से देखिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, और देखिए ये तो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, तो क्यों ना हम इसको बाहर लिख लें यहाँ पे। ओके बट एक चीज़ कमी रह गई हमारे पास, वो चीज़ यहाँ नहीं है और वो टेंड्स टू जीरो नहीं है। तो ध्यान से आप चीज़ देखिए एक बार, व्हेन एच टेंड्स टू आपका जीरो होगा देन आप मुझे बताएं ए प्लस वन इंटू एच टेंड्स टू क्या होगा। अगर आप एच की वैल्यू को जीरो यहाँ पुट कर देंगे तो ये कम्प्लीटली हो जाएगा जीरो और ये टेंड्स टू भी जीरो हो जाएगा आपके पास। तो आप अल्टीमेटली बोल सकते हैं अगर ये आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा ए प्लस वन एंड दिस विल बिकम लिमिट ए प्लस वन इंटू एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन ए प्लस वन इंटू एच अपॉन में ए प्लस वन इंटू एच प्लस का टू, आपने एक्सप्रेशन लिख दी यहाँ पे। अब ये पूरी चीज़ हो सकती है आपकी वन, ओके बशर्ते देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है और वही चीज़ यहाँ भी है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास a प्लस वन इंटू वन प्लस टू, यानी कि अल्टीमेटली आप इसको बोल सकते हैं a प्लस थ्री। तो आपके पास जो एल एच एल आया एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू जीरो वो आपके पास आया है a प्लस थ्री। नाउ आप सबको पता है कि सिंस एफ एक्स जो हमारा था वो कॉन्टिन्यूस था, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू जीरो। वॉट डज इट मीन, इट मीन्स therefore left hand limit must be is equals to right hand limit and must be is equals to function की value at that point। इसका मतलब left hand limit हमारे पास आई है a plus 3 is equals to right hand limit हमारे पास आई है b by 2 and function की value हमारे पास आई है simply 2। okay so हम तीनों equations में से equate करके दो को, किन्हीं भी दो को अपने a और b की values को find कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने equate किया इसको और इसको, तो मैं पाऊंगा मेरे पास क्या answer आएगा, मेरे पास आएगा a is equals to I guess minus 1 and b is equals to आपके पास आएगा 4। ओके सो जब मैंने इन दो तीनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट किया तो मैंने पाया मेरे ए की वैल्यू आएगी माइनस वन एंड बी की वैल्यू आएगी 4। ओके सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। याद रखिएगा बोर्ड की कमी की वजह से मैंने इसको दो पार्ट्स में किया है सॉल्व, पहले मैंने एल एच एल निकाला है इसका देन आर एच एल निकाला है, बट यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में ताकि आपके एक ही मार्क्स डिडक्ट ना हो। ओके सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एनालाइज कर लें एक बार एंड कॉपीज में अपनी नोट डाउन कर लीजिए।